क्लास फोर ईवीएस चैप्टर ट्वेंटी वन फूड एंड फन हेलो क्लास फोर स्टूडेंट्स वेलकम टू ईवीएस क्लास आई होप यू ऑल इंजॉयड अलॉट दिवाली एंड छठ पूजा ओके स्टूडेंट्स यू ऑलरेडी रीड द चैप्टर ट्वेंटी वन फूड एंड फन टुडे वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ गुरुद्वारा कढ़ा प्रसाद एंड लंगर सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स गुरुद्वारा का मतलब होता है गुरु का द्वार जो सिख लोगों का भक्ति स्थल है जहाँ वे लोग अपने धार्मिक अनुष्ठान भी करते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों में से बहुत बच्चे अमृतसर गए होंगे और वहाँ आपने गोल्डन टेम्पल देखा होगा जो हरमंदिर साहेब गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है और यह इंडिया का एक फेमस गुरुद्वारा है स्टूडेंट्स यहाँ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सिख लोगों की जो होली बुक है उनका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब जो कि गुरुमुखी लैंग्वेज में लिखी गई है और इसे सिखों के पाँचवें गुरु अर्जुन देव जी ने लिखा है स्टूडेंट्स अब हम लोग कढ़ा प्रसाद के बारे में जानेंगे कढ़ा प्रसाद एक तरह का हलवा होता है जो कि स्मूथ सॉफ्ट वेलवेटी होता है यह हलवा सिर्फ आटे घी और शक्कर से बनाया जाता है जो बहुत ही डिलीशियस होता है यह क्राह प्रसाद गुरुद्वारा में प्रसाद के रूप में अरदास के बाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है यह हलवा सभी का फेवरेट होता है नाउ वी विल नो अबाउट लंगर लंगर सिखों के गुरुद्वारे में प्रदान किए जाने वाले वेजिटेरियन फूड को कहते हैं लंगर सभी लोगों के लिए खुला होता है चाहे वे सिख हों या ना हो जनरली रसोई को लंगर कहा जाता है जहाँ कोई भी आदमी किसी भी धर्म का एक साथ बैठकर खाना खाते हैं लंगर फ्री ऑफ कॉस्ट होता है लंगर में खाने के लिए किसी तरह की पैसे नहीं दिए जाते हैं लंगर के पर की परंपरा सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने की थी नानक देव ही सिख धर्म के पहले गुरु थे लंगर में हाथ बटाने के लिए सैकड़ों लोग तैयार रहते हैं और इस सेवा के काम को गुरु का आशीर्वाद समझते हैं लंगर में दाल चावल रोटी अचार और सब्जी होते हैं और मीठे में खीर दिया जाता है लोग अपनी प्राइवेट और सरकारी जॉब से समय निकालकर लंगर की सेवा में योगदान देने आते हैं ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड टुडेज टॉपिक थैंक यू